morning, students. I am Vijay Shankul, assistant professor, fire technology and safety engineering, IPS Academy, Indore. Today we are going to discuss topic SI engine emission control. Last जो वीडियो सेशन था उसमें हमने इमिशन कंट्रोल सिस्टम का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने जो है इंजन से निकलने वाले जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं, कौन कौन से गैसेस होते हैं, वो उनके बारे में हमने स्टडी की थी. आज हम ऐसा इंजन कंट्रोल इमिशन कंट्रोल सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं और कौन कौन सी डिवाइसेस जो है इंजन में यूज की जाती हैं जो कि इमिशन को कंट्रोल करते हैं. तो नाउ हम अभी जो है स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा जिससे आपको क्लियर होगा. तो सबसे पहले हम यदि बात करें कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैव मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फर्स्ट इमिशन लॉस बाय प्रोवाइडिंग इंजन विथ पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन. यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जो कि ऑटोमोबाइल से जो इमिशन हो रहा है उसको एक लिमिटेड या एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर वो जो है इमिशन हो. ये सारे गवर्नमेंट्स के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं. तो जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले बार पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन, तो पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. एक्चुअली पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन जो होता है कि इंजन के अंदर जब एग्जॉस्ट गैसेस या कंबसन प्रोसेस होती है तो पिस्टन रिंग्स के थ्रू कुछ जो है एग्जॉस्ट गैसेस और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो है इंजन में क्रैंक केस में वहां पे जो है चला जाता है, लीक होके चला जाता है. तो उसको उस लीकेज से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है 20% ऑफ पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन जो होता है पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन के हेल्प से हम जो है उस पर्टिकुलर 20% इमिशन, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में कि उससे 20% इमिशन होता है, तो उस 20% इमिशन को हम पर्टिकुलर जो है इस मेथड से उसको हम जो है रिड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट है कार्बोरेटर एंड इंटेक सिस्टम हैव बीन मॉडिफाइड टू प्रोवाइड आइडल कंबसन रिक्वायरमेंट्स. मतलब जो कार्बोरेटर है और इंटेक सिस्टम्स है उनको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा और मतलब जो उनको मॉडिफाई करेंगे तो उनको हमको इतना मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि वो एक आइडल कंबसन जो है कर सके, आइडल कंबसन प्रोसेस उसमें हो सके और जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो रूल्स के अकॉर्डिंग कंबसन में जो पॉल्यूशन है उसको हम पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकें. नेक्स्ट है द इग्निशन सिस्टम इज डिजाइंड टू प्रोवाइड लोअर स्मोक प्रोड्यूसिंग इमिशन. इग्निशन सिस्टम्स में मतलब हम जो इंजन के अंदर जो कंबसन चेंबर की डिजाइन है उसको इस तरीके से डिजाइन करेंगे ताकि वो जो है कम से कम स्मोक प्रोड्यूस करे और कम से कम जो है इमिशन प्रोड्यूस करे. वेपर्स फॉर्म द फ्यूल टैंक एंड कार्बोरेटर आर वेंटेड टू द एक्टिवेटेड कार्बन चारकोल कैनिस्टर. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कुछ वेपर फॉर्म होते हैं किससे, फ्यूल टैंक से. वेपर जो फॉर्म होता है मतलब फ्यूल टैंक ब्रीथिंग होती है, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होता है तो उससे क्या होता है फ्यूल टैंक में जो है उसका
वेपर फॉर्म होता है, मतलब हाइड्रोकार्बन्स प्लस उसमें एयर जो होती है वो एनवायरमेंट में मिक्सअप होके रिलीज होने लग जाती है। तो जो वेपर फॉर्म हो रहे हैं है ना, तो उनको हम प्रॉपर तरीके से उसको अपने को जो वेपर है उसको हैंडल करना है और उसको यूज करना है और उसको डायरेक्टली एनवायरमेंट में रिलीज होने से उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे सिस्टम को बनाएंगे, डेवलप करते हैं, ऐसे सिस्टम अवेलेबल हैं जो कि उस पर्टिकुलर सिस्टम को यदि हम अप्लाई करते हैं तो ये वाला जो हमारा वेपर फॉर्मेशन है वो उससे रुक जाता है। एक्टिवेटेड चारकोल, चारकोल कैनिस्टर, मतलब चारकोल कैनिस्टर जैसा हम सभी जानते हैं कि चारकोल जो है एब्जॉर्ब कर लेता है हाइड्रोकार्बन्स को और वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस इस एब्जॉर्ब वेपर को हम वापिस से उसको हम जो है कंबसन चेंबर में सप्लाई करके उसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, एग्जॉस्ट गैसेस शुड बी मॉडिफाइड सो दैट दे कंटेन वेरी स्मॉल हार्मफुल एग्जॉस्ट कंपोनेंट्स। मतलब यहाँ पे जो एग्जॉस्ट गैसेस है इंजन का कंबसन कंप्लीट होने के बाद जो आपका एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू एग्जॉस्ट गैसेस जो निकलती है, जिनमें हमने पढ़ चुके हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, उसके बाद आपका एनओएक्स है ना, ये सारी गैसेस जो है हार्मफुल गैसेस होती हैं, तो इनको हम ट्रीट करके, इनको हम क्या करेंगे, ट्रीट करें कि पर्टिकुलर ये डायरेक्टली एनवायरमेंट में रिलीज होने से हम उनको रोक सके या उनका जो केमिकल कंटेंट है उनको हम डाइल्यूट कर दें। तो उस प्रोसेस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट एयर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। एग्जॉस्ट गैसेस शुड बी मॉडिफाइड सो दैट दे कैन वेरी स्मॉल हार्मफुल एग्जॉस्ट कंपोनेंट्स। मतलब जो भी एग्जॉस्ट में आपकी गैसेस है वो उनको हम हार्मफुल कंपोनेंट्स को हम उसको कम से कम कर सके। तो जैसे कि उसके लिए अपन कैटालिटिक कन्वर्टर हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व रेगुलेटर हो गया, कुछ ऐसे डिवाइसेस का यूज करते हैं जिससे कि उसमें आपका पॉल्यूशन, जो एग्जॉस्ट गैसेस का पॉल्यूशन है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। अब इन सब, ये तो एक नॉर्मल पॉइंट्स थे जिसको मैंने आपको बताया। अब ये जो इन सबको अचीव करने के लिए सम जो है स्टेप्स हैं, कि अलग अलग स्टेप्स में हम यदि बात करें कि क्या क्या हमें करना पड़ेगा जिससे कि जो है इस सारे पॉइंट्स को हम अचीव कर सकें। तो अप्रोचेस जो है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हम यूज कर सकते हैं। तो अप्रोचेस में जैसे इंजन डिजाइन मॉडिफिकेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ मॉडिफिकेशन करके हम जो है कंबसन की प्रोसेस को, इंजन में जो कंबसन की प्रोसेस है उसको कंप्लीट कंबसन प्रोसेस में कन्वर्ट करें, जिससे कि क्या होगा आपका एग्जॉस्ट गैसेस में जो पॉल्यूटेंट है वो कम हो जाए। नेक्स्ट है एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट। एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया कि जो एग्जॉस्ट गैसेस जो निकल रही है उनको हम क्या करेंगे, उनको ट्रीट करेंगे। मतलब उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर के थ्रू हम उसमें उसको पास करवाएंगे या फिर एग्जॉस्ट गैस रेगुलेटर से भी हम उसको जो है इंजन में सप्लाई करके उसको उसका जो है पॉल्यूशन को हम रिड्यूस करेंगे। फिर नेक्स्ट है फ्यूल मॉडिफिकेशन। तो फ्यूल में भी कुछ मॉडिफिकेशन करके हम जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और एनओएक्स और हाइड्रोकार्बन्स जो एनवायरमेंट में हम रिलीज होते हैं डायरेक्टली ऑटोमोबाइल के थ्रू, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम यदि डिटेल में इसको देखें, ये तो एक ओवरव्यू था जिसमें हमने ओवरऑल इंट्रोडक्शन समझ लिया कि हम क्या कर सकते हैं इंजन में जिससे कि आपका कम से कम एयर पॉल्यूशन हो। अब स्टेप बाय स्टेप यदि हम चलें और समझे कि कैसे जो है इसको हम कम कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंजन डिजाइन मॉडिफिकेशंस।
डिजाइन मॉडिफिकेशन, तो इंजन डिजाइन मॉडिफिकेशन, तो इंजन डिजाइन मॉडिफिकेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं? नॉर्मली इंजन डिजाइन और मॉडिफिकेशन का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये होना चाहिए कि हम जो इंजन के अंदर कंबसन हो रहा है उस कंबसन को कंप्लीटली होने दें, मतलब उसमें कंबसन यदि फुल्ली कंप्लीट कंबसन होगा तो क्या होगा, जो आपके एग्जॉस्ट गैसेस या हाइड्रोकार्बन्स जो फ्यूल में प्रेजेंट होते हैं वो डायरेक्टली एनवायरमेंट में रिलीज नहीं होंगे। तो सबसे बेस्ट वे क्या है, द बेस्ट वे टू रिड्यूस एग्जॉस्ट इमिशन इज टू बर्न ऑल फ्यूल इनसाइड द इंजन, मतलब जो भी आपका फ्यूल है वो इनसाइड द इंजन यदि बर्न हो रहा है तो क्या होगा, उसमें आपके जो पॉल्यूटेंट्स गैसेस हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हम इंजन में मॉडिफिकेशन करके मतलब पर्टिकुलर कुछ इंजन में हम मॉडिफिकेशन करें कि जिससे कि ये कंप्लीट कंबसन हो। तो कुछ पॉइंट्स हैं, तो ये जो पॉइंट्स हैं यदि अपन इन पॉइंट्स को डिस्कस करें तो नंबर वन होगा आपका लोअर कंप्रेशन रेशोस, लोअर लोअर कंप्रेशन रेशोस। अब लोअर कंप्रेशन रेशोस से मतलब है, जैसा कि हम जानते हैं कि यदि लोअर कंप्रेशन रेशो होगा तो इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, है ना, और जो रिड्यूस कंबसन टेम्परेचर होगा और एनओएक्स का जो इमिशन है वो भी कम हो जाएगा और हाइड्रोकार्बन जो बन रहे हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो है लीनर एयर फ्यूल मिक्सचर, लीनर एयर फ्यूल मिक्सचर से भी क्या होता है कि जो लेसर हाइड्रोकार्बन्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, सॉरी लीनर एयर फ्यूल मिक्सचर से मतलब ये है कि उसमें एयर का अमाउंट जो है ज्यादा होता है, फ्यूल का अमाउंट कम होगा। ऑब्वियसली जब फ्यूल का अमाउंट ज्यादा होगा तो फ्यूल का अमाउंट कम होगा तो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लीनर फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर जो है उसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्निक्स कौन कौन सी लगाएंगे, इनलेट एयर हीटिंग, मतलब इनलेट जो एयर आ रहा है उसको हम हीट करेंगे जिससे कि आपका इंजन में कंबसन जो है स्टार्ट हो सके, ठीक है। यूज ऑफ ईएफआई सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी क्या है जो है सफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर को हेल्पफुल होते हैं बनाने में, जो कि आपका कंबसन की प्रोसेस को इजी करते हैं, है ना। हीटेड इंटेक मैनिफोल्ड, जो आपका इंटेक मैनिफोल्ड होता है उसको हम हीटेड मैनिफोल्ड का डिजाइन करें जिससे भी हमको क्या लीनर एयर फ्यूल का मिक्सचर मिल सकता है, और इस पर्टिकुलर लीनर एयर फ्यूल के मिक्सचर के मिलने से हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के इमिशंस को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है रोटेटिंग इग्निशन टाइमिंग, सॉरी रिटार्डिंग इग्निशन रिटार्डिंग इग्निशन टाइमिंग्स। यहां पे रिटार्डिंग इग्निशन टाइमिंग से मतलब है कि आपका जो इग्निशन का टाइम है उसको हम यदि इंक्रीज करें कुछ अमाउंट
टाइम का यदि हम इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, फ्यूल जो बर्न हो रहा है कंबसन चैम्बर में, जो फ्यूल बर्न हो रहा है वो कंप्लीटली बर्न हो पाएगा, तो उससे क्या होगा, इमिशन ऑफ एनओएक्स रिड्यूसेस, डिक्रीजिंग द मैक्सिमम टेम्परेचर। जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर एकदम से पहुंच जाता है इंजन के अंदर, वो भी उससे क्या होगा, रिड्यूस हो गया। और इस टेम्परेचर रिड्यूस यदि होगा तो मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, आपका एनओएक्स जो है प्रोडक्शन कम हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है कंबसन चैम्बर कॉन्फ़िगरेशन, कंबसन चैम्बर कंबसन चैम्बर कॉन्फ़िगरेशन। तो कंबसन चैम्बर का डिजाइन हम इस तरीके से करें कि उसमें फ्लेम क्वेंचिंग जोन्स कम हो, ठीक है, सरफेस उसका जो है रिड्यूस, सरफेस टू वॉल्यूम रेशो, सरफेस टू वॉल्यूम रेशो कम हो, है ना। फिर उसके बाद रिड्यूस डेड, रिड्यूस डेड स्पेस अराउंड द पिस्टन रिंग, ठीक है। फिर स्मॉलर कंबसन चैम्बर वॉल्यूम्स रिड्यूसेस हाइड्रोकार्बन एमिशंस। कंबसन चैम्बर को हम इस तरीके से डिजाइन करें कि उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशो कम हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो है उसका फ्लेम क्वेंचिंग जोन्स, फ्लेम क्वेंचिंग जोन्स भी जो है उनको हम कम करें, तो उससे क्या होगा, आपका जो है कंप्लीट कंबसन होगा और हाइड्रोकार्बन इमिशन जो हो रहा है, हाइड्रोकार्बन का इमिशन जो हो रहा है वो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज्ड वाल्व ओवर लेंथ। ऑप्टिमाइज्ड वॉल्व ओवरलैप से मतलब है कि जब इंजन के अंदर कंबसन होता है तो वॉल्व का एक इंटेक वॉल्व है और एक आउटलेट वॉल्व या एग्जॉस्ट वॉल्व जिसको हम बोलते हैं, वो जो है ओपन एंड क्लोज होते हैं, ठीक है। जब इंजन हाई आरपीएम पे रन करेगा तो क्या होगा कि वॉल्व जो है ओवरलैप करेंगे, मतलब एक वॉल्व कंप्लीटली बंद नहीं होगा और दूसरा वॉल्व ओपन होने की कंडीशन में आ जाता है। तो यदि इस तरीके का यदि कंडीशन यदि इसमें आती है तो क्या होगा, वॉल्व ओवरलैप होने से जो मिक्सचर है, मतलब जैसे सपोज हम देखें कि कंबसन स्टार्ट हुआ, कंबसन स्टार्ट होने के बाद आपका जो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती, और यदि एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलने के पहले ही क्या हुआ, इंटेक जो है इंटेक वॉल्व ओपन हो गया और उसमें जो है फ्रेश एयर और एयर फ्यूल का मिक्सचर आ गया, तो एग्जॉस्ट गैसेस और ये उसमें मिल जाएंगे, तो उससे क्या होगा, कंबसन जो है आपका कंप्लीट कंबसन नहीं होगा। सिमिलरली ऐसे यदि हम देखें कि जो है अनबर्नड कुछ फ्यूल एयर का मिक्सचर जो है वो भी एग्जॉस्ट गैसेस के साथ में बाहर निकलेगा वॉल्व ओवरलैप की कंडीशन में, तो इसको रिड्यूस हमको करना है तो हमें ऑप्टिमाइज वॉल्व ओवरलैप करना पड़ेगा, मतलब इंक्रीज्ड वॉल्व ओवरलैप अलाउ सम मिक्सचर टू एस्केप डायरेक्टली टू एग्जॉस्ट एंड इंक्रीज्ड एमिशन लेवल। तो इससे क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट गैसेस में हाइड्रोकार्बन्स जो है एयर फ्यूल का मिक्सचर ऑलरेडी मिक्स होके जा रहे हैं, तो वो भी क्या है, हाइड्रोकार्बन को बढ़ा मतलब आपके इमिशन को बढ़ा देते हैं, हाइड्रोकार्बन इमिशन को एग्जॉस्ट गैसेस के साथ में। तो ऑप्टिमाइज वॉल्व ओवरलैप से हम क्या मिलेगा, हमें जो है ये वाली जो कंडीशन है वो हम कम कर सकते हैं। हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर, हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स, तो हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है
इम्प्रूव हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस, देयरफॉर मॉडर्न इंजन्स एंड हॉटर थर्मोस्टेट्स। हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर में क्या होता है कि नॉर्मली जो नॉर्मली मतलब एक हायर ऑपरेटिंग यदि टेम्परेचर में इंजन यदि ऑपरेट हो रहा है तो उसमें जो आपका, जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि एनओएक्स ज्यादा प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो इंजन के टेम्परेचर को एक बहुत ज्यादा हाई राइज ना हो उसके लिए हम क्या करें, कुछ इस तरीके की टेक्निक्स यूज करें कि इंजन जो है एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे ना पहुंचे। यदि वो उस मैक्सिमम टेम्परेचर पे नहीं पहुंचेगा जिस पे आपका एनओएक्स या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं, तो हम हॉटर थर्मोस्टेट्स का यूज करते हैं, थर्मोस्टेट्स का, तो हॉटर थर्मोस्टेट्स का यूज करते हैं जिससे आपका जो है इंजन का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता, मेंटेन रख सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर टेक्निक से हम जो है एनओएक्स को प्रोड्यूस होने से कंट्रोल कर सकते हैं। सेवन जो पॉइंट है, हार्डेंड वॉल्व एंड सीट्स। एट है पाउडर स्पार्क प्लग गैप्स। हार्डेंड वॉल्स एंड सीट्स मतलब क्या होता है, जो वॉल्व आपके जो हम ओपन और क्लोज हो रहे हैं और जहां पे जो उसकी सीट्स पे जो वॉल्व जो है फिट हो रहा है, तो उस जगह पर्टिकुलर उन वॉल्व्स को हम यदि हार्डेंड मटेरियल यदि यूज करें और वहां पे हार्डेंड सीट मटेरियल्स यदि यूज करेंगे तो वो क्या होगा, वॉल्व्स में वियर एंड टियर कम होगा, वियर एंड टियर कम होगा तो उस पर्टिकुलर वियर एंड टियर से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेसिव वियर एंड टियर जो है उससे हम क्या कर सकते हैं, उस में जो लीकेज है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वाइडर स्पार्क प्लग गैप्स, है ना, प्रोवाइड प्रॉपरली इग्नाइट लीनर क्लीनर एंड बर्निंग एयर फिल मिक्सचर्स, है ना। वाइडर स्पार्क प्लग गैप्स से क्या होगा, प्रोवाइड प्रॉपरली इग्नाइट लीनर क्लीनर एंड बर्निंग एयर फ्यूल मिक्सचर्स। अब हम नेक्स्ट जो है इमिशन कंट्रोल सिस्टम्स में, ये तो हमने इंजन में क्या मॉडिफिकेशन होना चाहिए इसका हमने जो है इन पॉइंट्स को डिस्कस किया कि इंजन में क्या मॉडिफिकेशन करें जिससे कि हमारा जो है कम से कम एमिशन हो, कम से कम एयर पोल्यूशन हो, ऑटोमोबाइल जो एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो ये जो हमने पॉइंट अभी डिस्कस करे हैं जो एट पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को यदि हम मतलब मॉडर्न इंजन में हम उसको यूज करते हैं और उसका मॉडिफाई करके हम इंजन इंजन के जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको एग्जॉस्ट गैसेस के इमिशंस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब इमिशन कंट्रोल सिस्टम की यदि हम बात करें, एमिशन कंट्रोल सिस्टम, तो एमिशन कंट्रोल सिस्टम में एक तो पॉजिटिव
केस 20, इसको हम बोलते हैं पीवीसी, पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन। तो पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन क्या होता है? ए पीवीसी सिस्टम इंजन वैक्यूम टू ड्रॉ टॉक्सिक ब्लो बाय गैसेस इनटू द इनटेक मैनिफोल्ड फॉर री बर्निंग इन द कंबसन चैम्बर, री बर्निंग इन द कंबसन चैम्बर। पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन सिस्टम पीवीसी, ये पीवीसी जो सिस्टम है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ये 1969 के अराउंड इस सिस्टम का यूज जो है होने लगा था। और पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन से मतलब है कि जैसे कि हम जानते हैं कि क्रैंक केस में क्या होता है, क्रैंक केस में जैसे पिस्टन आपका जो है उसमें पिस्टन रिंग्स होती हैं, और जब कंबसन स्टार्ट होता है तो कंबसन में क्या होगा, पिस्टन रिंग्स के हेल्प से पिस्टन रिंग्स में जो आपके ग्रुप्स होते हैं उन ग्रुप से क्या होगा, जो आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है लीक होके ऑयल में या जहां पे ऑयल टैंक होता है या क्रैंक केस जहां पे होता है वहां पे वो चला जाता है, और उसमें उसका जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो भी उसमें चली जाती है। तो उस पर्टिकुलर जो गैसेस है वो यदि वहां पे जाएंगे तो उसमें क्या होगा, वहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑयल में क्या होगा स्लग क्रिएट होगा, ऑयल में क्या होगा उसमें स्लग क्रिएट होगा, और जो कि आपके लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। इसमें इस पर्टिकुलर जो हाइड्रोकार्बन्स जो मिक्स हो रहा है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पीवीसी सिस्टम का यूज करते हैं। तो पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन जो है पूरा हम किस तरीके का सिस्टम उसमें इंजन में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अपन इसको समझ लेते हैं कि कैसे ये सिस्टम काम करता है। यहां पे
पीवीसी वाल्व हम बोलेंगे, और ये जो है आपकी ब्रीथिंग ब्रीथिंग लाइन है, और थ्रॉटल बॉडी